इस भारत के डॉक्टरों ने एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दिल्ली में रहने वाले राजकुमार दीवारों को पेंट करने का काम करते थे। साल 2020 में एक दिन जब वो साइकिल से दिल्ली के नांगलुई रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहे थे तो अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो ट्रैक पर गिर पड़े और सामने से आती हुई ट्रेन के नीचे आकर उनके दोनों हाथ कट गए थे। इसके बाद उन्होंने हैंड ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचा, लेकिन भारत में हैंड ट्रांसप्लांट के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। खास बात यह है कि राजकुमार जी को कुछ दिनों पहले ही हैंड ट्रांसप्लांट की परमिशन मिली थी और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने लगातार 12 घंटे मेहनत करके हैंड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सक्सेसफुली भी करके दिखा दिया, जिसकी वजह से अब राजकुमार जी फिर से अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाएंगे और पेंटिंग कर पाएंगे। ये विज्ञान का चमत्कार माना जा रहा है क्योंकि ये उत्तर भारत की पहली हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।